जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, पठान रिलीज होने वाली है। इसके जो बुकिंग के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो काफी शानदार हैं। पहले दिन की एडवांस बुकिंग की हम बात करें तो जो वेब पोर्टल्स हैं उनके अनुसार करीब करीब 17 करोड़ रुपए की टिकट जो है अभी वो एडवांस बुकिंग में ही बिक चुकी हैं। अगर 25 तारीख तक आते आते एडवांस बुकिंग के आंकड़े 22-23 करोड़ तक पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो उसी दिन का कलेक्शन होगा वो और भी बेहतरीन होगा, क्योंकि सिंगल स्क्रीन जो रहती है उनके आंकड़े निकलकर ऐसे सामने आते नहीं है। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा कंपटीशन जो है देखने के लिए मिल रहा है पठान के रिलीज की घोषणा के बाद से। अब ऐसे में क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी मूवी रिलीज होती है तो ऑब्वियसली बात है जो उस मूवी से जुड़ी हुई चेन्स रहती हैं, जो मल्टीप्लेक्सेस रहते हैं, उनके जो शेयर्स के भाव हैं वो अमूमन ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार एक अलग ही ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। PVR के शेयर 6 जनवरी से या काफ़ी लंबे समय से गिर रहे हैं वो तो, लेकिन हम लोग 6 जनवरी की बात कर लेते हैं जिस दिनों पहली बार अभी गिरना शुरू हुए थे, उसके बाद से ना वो लगातार नीचे की तरफ ही जाते जा रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है ये साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कहीं ना कहीं कि जो चीज़ें हैं वो इनके लिए सही नहीं चल रही हैं और PVR जो है इस समय एक ऐसे टर्मोइल से गुजर रहा है जो कि शायद उसके लिए ठीक नहीं। मतलब अगर हम लोग कुछ आंकड़ों की तरफ भी देखें तो ये एक वेबसाइट है investing.com जिसके की ऊपर हमको ये PVR के शेयर के आंकड़े दिख रहे हैं। यहाँ आप देखिए, 3 तारीख से इसने गिरना शुरू किया था 1714 रुपये से, 6 तारीख तक ये 1629 के ऊपर आया। इसके बाद जो ये ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर इसने जरूर थोड़ी सी बढ़त हासिल करी थी, तो ये 9 तारीख से बढ़ना शुरू हुआ और 13 तारीख तक ये 1754 पहुंच गया और उसके बाद ये इसने फिर गिरना शुरू किया है। फिर 19 तारीख को थोड़ा सा गेन जरूर किया लेकिन वो गेन नाम मात्र का था 0.49% का। और उसके बाद अब ये, मतलब आप सोचिए, 20 तारीख को जिस दिन पठान की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, पठान की एडवांस बुकिंग जिस दिन शुरू हुई उस दिन 4% की गिरावट देखने के लिए मिली है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से यहां तक जो गेन हुआ है ना, ये टोटल जो गेन है ये करीब 6% का रहा होगा हद से हद, और यहां पर एक ही दिन में ये 4% गिर जाता है शेयर। यहां पर आप देखिए 1629 का भाव था जहां से इसने बढ़ना शुरू किया था और अभी 1610 के भाव पर बैठा हुआ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वेबसाइट पर, यदि हम लोग गूगल की तरफ चलें तो यहां पर भी आप देखिए जो ये हम देख रहे हैं अभी पिछले 5 दिनों का आंकड़ा देख रहे हैं, इसमें पिछले 5 दिनों में ये करीब 8% इसका शेयर गिर गया है, 8%, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है PVR जैसी बड़ी कंपनी के लिहाज से यदि हम बात करते हैं तो। अगर हम एक ही दिन की बात करें तो आप देखिए एक ही दिन में, मतलब ये कल की बात हो रही है, यहाँ अपडेट देख सकते हैं 20 जनवरी 3:30 बजे ये पूरा अपडेट हुआ था, तो एक ही दिन में इस शेयर के भाव 70 रुपये गिरे हैं, मतलब 4% के करीब जो है इसका शेयर का भाव गिर गया। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर के ऊपर 1607 के ऊपर इस समय बैठा हुआ। तो ऐसे में ये जो शेयर के आंकड़े हैं ये कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। मतलब जो पठान की एडवांस बुकिंग चल रही बहुत अच्छी चल रही, बहुत उम्दा चल रही, हम तो यही बोल रहे हैं भाई ये भी आंकड़े हैं वो भी आंकड़े, तो हम तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं और कुछ बात नहीं कर रहे। लेकिन जैसा कि ये नुकसान जो दिखाया जा रहा है, ये नुकसान करीब करीब बताया जा रहा है कि जो एक दिन में गिरावट देखने के लिए मिली इसके कारण PVR और करीब करीब मार्केट कैप में 400 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, ऐसा मीडिया हाउसेस में बात चल रही है। मतलब सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि इसके बारे में सब बात कर रहे हैं लेकिन न्यूज एजेंसीज में आप देखेंगे कि PVR के इस नुकसान को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो अगर हम लोग ये एक साल के आंकड़े देखते हैं तो आप एक साल के आंकड़े देखेंगे कि यहां पर ही 1520 से 24 जनवरी को उसने शुरू किया था और आज की डेट में ये एक साल के बाद में मतलब 80 रुपए बस ऊपर बैठा हुआ है। हालांकि बीच में इसके शेयर के भाव अगस्त में काफी ऊंचे गए थे, अगस्त में लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, ये सब मूवीज रिलीज हुई थी, लेकिन उसके बाद से आप देखिए लगातार नीचे की तरफ ही अग्रसर होता गया है और अब यहाँ पर 1607 के ऊपर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हम एक मतलब मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। ये 6 महीने का आप आंकड़ा देख सकते हैं, 6 महीने में भी इसकी गाड़ी मतलब स्टेबल तो कहीं पर भी रही ही नहीं है, ऊपर नीचे होते हुए और अब बिल्कुल नीचे बैठी हुई है। तो यहाँ पर PVR के शेयर जो हैं पिछले 6 महीने में करीब 17% गिर चुके हैं। तो अब देखिए, एक मूवी जब रिलीज होती है तो उस मूवी के साथ में कई सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है और वो पैसा ऑब्वियसली बात है निकालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर यही बात है, PVR में पठान की एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी चल रही है, पहले दिन के जो एडवांस बुकिंग के आंकड़े हैं करीब 17 करोड़ की एडवांस बुकिंग बताई जा रही है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर में बताने की कोशिश करूं तो ये जो नंबर निकल कर आया है, कहां गया भाई, हाँ ये जो नंबर निकल कर आया है इसमें बताया जा रहा है कि करीब करीब 17.3 करोड़ के टिकट बिके हैं, करीब 5,63,522 टिकट बिक चुके हैं बस। लेकिन बात वही है मुद्दे की कि PVR के शेयर फिर क्यों नीचे जा रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा मुझको। निरेश, जय हिंद, जय भारत।